हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन स्वीट कॉर्न सूप, और शॉर्ट्स में तो आपने देखा ही था, बट आज मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो बिना स्किप करे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चिकन मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और नमक डाल के मैंने मैरिनेट किया था। तो यहाँ पर अब मैं पानी ऐड करके और चिकन को गला लूँगी। तो ये अभी मैं चिकन को पकने रख देती हूँ, तो इसे हम ढक के पका लेंगे। तो देखिए अभी एक बार और देख लेते हैं। तो ये अभी चिकन 80% कुक हुआ है, तो और थोड़ा सा कुक हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए। तो इस चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा तो हम चिकन के पीसेस को ठंडा करके और इसको श्रेड कर लेंगे। तो अभी यहाँ देखिए मैं हाई फ्लेम कर देती हूँ ताकि जल्दी से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, या फिर इसके पानी का स्टॉक भी हम निकाल के ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा सा पानी निकाल लिया था स्टॉक, और चिकन भी गल चुका था। तो यहाँ देखिए चिकन गल चुका है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको हम श्रेड कर लेंगे। यहाँ पे कॉर्न लिए मैंने कॉर्न को भी बॉईल कर लिया है। तो ये देखिए अब ठंडा हो चुका चिकन, तो इसे हमने श्रेड कर लिया, अच्छे से श्रेड कर लेंगे। या फिर थोड़ा सा चंक्स भी रख सकते हैं, अगर आपको श्रेडेड पसंद नहीं है तो थोड़े मोटे मोटे पीसेस हम इसके काट लेंगे। और यहाँ पे कढ़ाई पे अब मैंने तेल ऐड किया, और इसके बाद इसमें सारे पीसेस जो चिकन के थे वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और इसे हम थोड़ा चला लेंगे तेल में। और यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो अगर आपका सूप पीने का मन हो रहा है तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली क्विक रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें आप। यहाँ पे अभी मैंने ग्रीन चिलीज ऐड की, आप चाहे तो ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको तीखा पसंद है तो इसमें ऐड कर दें। कॉर्न को हम पीस के भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही ऐड किया है। ये देखिए चिकन का स्टॉक मैंने थोड़ा निकाल लिया था, तो इसमें कॉर्न के प्याले में मैंने डाल दिया। तो कॉर्न यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऐसे ही रखा है, आप चाहे तो कॉर्न को ग्राइंडर में पीस के भी ऐड कर सकते हैं, तो थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी सूप में। तो इसे अब अच्छे से चला लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब मैंने कॉर्न फ्लावर लिया है, तो कॉर्न फ्लावर में हम पानी ऐड करके और इसको फेंट लेंगे। तो इस रेसिपी में कोई ऐसा परफेक्ट मेजरमेंट मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मैंने बहुत ही अंदाज से ही सब बनाया है। जैसे ये 2 चम्मच मैंने लिया था कॉर्नफ्लावर, तो मेरा क्वांटिटी थोड़ा कम था सूप का। अगर आपका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है तो आप उसको डबल कर दें कॉर्नफ्लावर को, और जैसा थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किया, तो थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे और फ़ौरन चलाते जाएंगे चम्मच से, ताकि लम्ब्स क्रिएट ना हो। और ये देखिए अभी ये थिक हो चुका काफ़ी, तो इसमें मैंने पानी ऐड किया, और अभी थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से, जितना मुझे इसमें थिकनेस चाहिए सूप में मैं वैसे ही ऐड कर रही हूँ उसमें। और कॉर्न फ्लावर मैंने 2 चम्मच लिया था, और चिकन मैंने 4 पीसेस लिए थे, और ये जो स्वीट कॉर्न है ये मैंने हैंडफुल मतलब थोड़ा सा ही लिया है छोटे प्याले के हिसाब से, तो ज़्यादा नहीं था कुछ भी। तो ये देखिए थिकनेस अभी काफ़ी सही है, तो थोड़ा सा और पकने देंगे हम इसको, ताकि थिक थोड़ा और ज़्यादा हो जाए और जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो भी थोड़ा गल जाए। यहाँ मैंने 1 अंडा इसको अच्छे से फेंटा, और इसके ऊपर मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया, और जैसे ही हम अंडा डालेंगे तो उसको हम चलाते जाएंगे ताकि अच्छे से ये जो है सब तरफ स्प्रेड हो जाए अंडा, और जो एक इसमें रिचनेस आती है अंडा डालने से वो क्रिएट हो जाए सूप में। तो ये देखिए ये बहुत ही परफेक्ट कुक हो चुका हमारा सूप। यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट, अगर आपको लगता है सॉल्ट तो आप ऐड करें, वरना स्किप कर दें। यहाँ पे थोड़ी सी चीनी ऐड की मैंने, आपको अगर चाहिए तो आप ऐड करें, चीनी से थोड़ा फ्लेवर एनहेंस हो जाता है किसी भी चीज़ का। सो बस बन गया हमारा सूप, बहुत ही रिच और थिक सूप हमारा रेडी हो चुका, और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो बस इसे अब हम बोल में ऐड कर देते हैं, और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस, पेपर पाउडर और धनिया के पत्ते से इसे गार्निश कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी बना था ये सूप, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो,
और इसे ज़रूर ट्राई करें आप, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय।